गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की कलव से पाठ 13 सीख पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ हमारे देश के राष्ट्रपिता के बारे में है। क्या बच्चों आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन हैं? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है इसको जानते हैं। वैभव स्कूल से घर आया तो माँ ने पूछा, स्कूल में आज क्या क्या हुआ? वैभव बोला, माँ आज 2 अक्टूबर है ना, हमारे स्कूल में गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। सब ने उनके चित्र पर फूल चढ़ाए। दीदी जी ने कंप्यूटर पर बहुत अच्छी फिल्म भी दिखाई। तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊँ माँ? सुनाओ बेटा, माँ ने कहा। वैभव कहानी सुनाने लगा। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार हो गई, दवा से आराम नहीं हो पा रहा था। गांधी जी ने किसी पुस्तक में पढ़ा था, बीमारी में कुछ समय तक नमक न खाने से लाभ होता है। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम कुछ दिन भोजन में नमक लेना बंद कर दो। कस्तूरबा ने गांधी जी से कहा, यह तो बड़ा कठिन काम है, नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी नहीं छोड़ पाएंगे। गांधी जी ने सोचा, पर उपदेश बहुत कुशल बहु तेरे, जो बात दूसरों को करने को कहें पहले उसे स्वयं करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। गांधी जी ने कहा, मुझे बीमारी हो और वैद्य किसी चीज़ को छोड़ने को कहें तो अवश्य ही छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी में भलाई है। मैंने तुमको नमक छोड़ने को कहा है, पहले मैं ही कुछ समय के लिए नमक छोड़कर देखता हूँ। बापू की बात का कस्तूरबा पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गई। वैभव से कहानी सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे ही थे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। वो जो कहते थे पहले स्वयं उसे करते थे, तभी तो पूरा देश आज भी उन्हें याद करता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही में बेल बटन को भी दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।